क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लास्ट वीडियो में हमने यह जाना कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस एक ऐसा इमेजिनरी रेफरेंस सिस्टम होता है जिसका उपयोग क्रिस्टल को समझाने में किया जाता है। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस के तीनों एक्सेस और एंगल फिक्स नहीं होते हैं, बल्कि क्रिस्टल के अकॉर्डिंग वेरी करते रहते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम क्रिस्टल, लैटिस और बेसिस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लैटिस की। आपने घरों के ब्लूप्रिंट जरूर देखे होंगे। किसी भी घर का ब्लूप्रिंट उस घर का हाइपोथेटिकल ढांचा होता है जो कि घर के हर एक दीवार, विंडो, कॉर्नर पॉइंट को इंडिकेट करता है। जब इन पॉइंट्स पर हम दीवार बनाते हैं, विंडोज़ लगाते हैं, तो हमें एक हाइपोथेटिकल ढांचा 3D रियल घर के रूप में मिलता है। ठीक इसी तरह लैटिस भी एक क्रिस्टल का हाइपोथेटिकल ढांचा होता है जो कि स्पेस में पॉइंट्स के पीरियोडिक अरेंजमेंट से बना होता है। इन पॉइंट्स को लैटिस पॉइंट कहते हैं। किसी क्रिस्टल का लैटिस यह बताता है कि क्रिस्टल में रिपीटेशन किस प्रकार होगा। इन शॉर्ट हम यह कह सकते हैं कि लैटिस एक 3D हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रिस्टल के लिए ब्लूप्रिंट का काम करता है और यही डिसाइड करता है कि क्रिस्टल में एटम्स या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किस प्रकार होगा। हालांकि लैटिस पॉइंट का इन्फिनिट अरेंजमेंट इमेजिन किया जा सकता है, लेकिन नेचर में कुछ फिक्स लैटिस ही पाए जाते हैं जिन्हें ब्रावियस लैटिस कहते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब बात करते हैं बेसिस की। बेसिस को मोटिफ भी कहते हैं। वे एटम या मॉलिक्यूल्स जिन्हें लैटिस के लैटिस पॉइंट्स पर अरेंजमेंट से एक क्रिस्टल बनाया जाता है उन्हें बेसिस कहते हैं। एक बेसिस एटम या एटम्स का ग्रुप हो सकता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन क्रिस्टल के बेसिस कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार डायमंड के क्रिस्टल में बेसिस कार्बन एटम है। अब बात करते हैं क्रिस्टल की। जब बेसिस को लैटिस के लैटिस पॉइंट पर रखकर एक सिस्टम बनाया जाता है तो उसे क्रिस्टल कहते हैं। शॉर्ट में यह कहा जा सकता है कि क्रिस्टल लैटिस और बेसिस का सम होता है। क्रिस्टल 2D या 3D दोनों प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। आई होप लैटिस, बेसिस और क्रिस्टल के बारे में यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।